वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो एजुकेशन ने किया। वो एजुकेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है हमारे मुकाबले में बहुत हाई, बहुत आए और वो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाते हैं, और तालीम भी ऐसी कि सरकारी स्कूलों में जैसी तालीम हो रही है उनकी, वो एक उनका एक मेयार है। तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें, और वहाँ सुबह ही सुबह, शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते। बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी, और जहाँ से हम गुजरते थे लोग यही कहते थे पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। जो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से। और हमारा जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड, एक ऐसे पाकिस्तानी का इंटरव्यू लेकर आए जो खुद कह रहा है कि मैं इंडिया घूमने गया था तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है, सब आपस में प्यार से रहते हैं। तो वीडियो जो है वो समीर के ब्लॉग की वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। आते थे वहाँ सबसे पहले बच्चों को जो है इंग्लिश की तालीम दी जाती है, साथ साथ जो है वो हिंदी सिखाते हैं, यार उनकी अपनी मदर लैंग्वेज होती है। इसी तरह उर्दू को भी वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, शुरू से ही लेते हैं स्कूलों में। फिर वो आगे चल के जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं उन सब में जो है माशाल्लाह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू तीनों लाजमी आपको मिलेंगी। आई टी सेक्टर का आप देख सकते हैं, बेंगलोर का, वहाँ के जो बेंगलोर नाम है बिल्कुल, तो आई टी में भी बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान का तो कंपेरिजन तो वैसे भी क्या कहते हैं, बनता है, करना चाहिए? नहीं 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 करना चाहिए, वो बहुत आगे हमसे आई टी में। आई टी में तो मैंने एक नाम मैंने सुना था अखबार में, मैंने पढ़ा था उसका वाक्य कि वहाँ एक शकुंतला नामी खातून जो थी उसने जो है कंप्यूटर से भी पहले जो है हिसाब किताब करके हैरत में डाल दिया था लोगों को कि उसका माइंड इतना तेज़ था कि कंप्यूटर ने बाद में जवाब दिया, उसने पहले जवाब दे दिया कि ये इसका आंसर है। तो ये एजुकेशन उनकी आईटी बहुत बहुत आगे, और वो माशाल्लाह वर्ल्ड में जो है इस तरह से माने जाते हैं, एक तरह से इंडियन जो है वर्ल्ड रैंकिंग में बिल्कुल माना जा रहा है 35। पाकिस्तान जो बहुत पीछे है उनके मुकाबले में, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि अपने आप को जो है आगे बढ़ाए। मुझे वहाँ की जो है दो चीज़ें तो बहुत पसंद आई, एक तो वहाँ जो है कानून की अमलदारी है, आप सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकते। मैं खुद कितनी मरतबा वहाँ पर जब गया हूँ तो मैं देखता था कि पुलिस वाला जो है सख्ती से इशारा करता है कि हिलना नहीं जब तक सिग्नल नहीं होगा, और वाकई लोग जो ओबे करते हैं उस कानून को ओबे करते हैं। रेलवेज़ के बारे में क्या कहेंगे, इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का निज़ाम सबसे बेहतर है, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका मुशाहदा किया। हम लोग जो है बम्बई में गए तो वहाँ इतना जाल बिछा हुआ है ट्रेनों का, और वो पुल इतने ज़्यादा हैं और ब्रिज इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने उसमें देखा कि आपको जो है हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आपको मिलेगी कि किसी यहाँ किसी भी आदमी जाना है, लोकल ट्रेन जो है हर 5 मिनट के बाद आती है, और लोग फटाफट सवार होते हैं उसके बाद मंजिल के रवा दामा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो है ये रेलवे सिस्टम जो है हमसे बहुत आगे। थोड़ा वक्त दो तीन घंटे गुजारे होंगे स्टेशन पर, उसके बाद जो है फिर ट्रेन आ गई हमारी जाने के लिए इंडिया, समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, समझौता जी जी, समझौता चल रही थी। जी चल रही थी। आप कब गए थे, कितना टाइम पहले? बस ये 7-8 साल पहले गए। 7-8 साल पहले, हाँ, तब तो फिर जो है सब बैठ गए उसे, फिर हम जो है अटारी गए, अटारी वाघा से होते हुए अटारी गए। अटारी पे उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो है यहाँ उतर जाएंगे और यहाँ से आप जो है अब दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे। अच्छा, फिर हम लोग वहाँ उतर गए। वहाँ सुबह रात को यहाँ से चली थी 4-4:30 बजे ट्रेन चली शाम में लाहौर से, तो वहाँ हम सुबह ही सुबह जो है फजर के बाद वहाँ पहुँच गए। सुबह का नाश्ता हमने जाके अटारी पर किया। अटारी में जो है वो हाँ नाश्ता याद है, नाश्ता मुझे उस वक्त जो है जैसे हम यहाँ हलवा पूरी कहते हैं तो वहाँ जो है भटूरा एक जो चीज़ थी सुबह ही सुबह हलवे के साथ, और वो दे रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पत्तों के अंदर जो है ना वो दे रहे थे तरकारी। अच्छा, हाँ, और हलवा भी पत्ते के अंदर रख के दे रहे थे और साथ में भटूरा दे रहे थे। वो भटूरा हमने खाया, हमें बढ़िया जो है टेस्टी लगा। उसके बाद फिर ट्रेन के चलने का टाइम हो गया तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें, और वहाँ सुबह ही सुबह वो लेने के लिए आ गए, वो जो लोकल गाड़ी होती हैं जो टैक्सी वगैरह वो हमें लेके चले गए।
तो हम जो है दिल्ली के इलाके में कसाबपुरा एक इलाका है जिनके हम जो है हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें जो है स्पॉन्सर किया था। शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते, बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी। और जहाँ से हम गुजरते थे लोग यही कहते थे पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। लोग कहते थे आई आई है, जहाँ हम जाते थे बस वो हम पे जान निछावर करता था, खाना पीना हर जगह इधर आ जाइए इधर आ जाइए। तो हम लोग बोलते थे भाई इतनी मोहब्बत हमें मिल रही है इस शहर के अंदर, और यहाँ के लोग जो है अपने आबाओ अजदाद के किस्से हमें सुनाते थे कि हमारा दिल्ली किस ज़माने में कैसा था और अब कैसा। तो हम जो ख्याल करते थे जामा मस्जिद के इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बिल्कुल हमारे अपने कराची की तरह था। पाकिस्तानियों से भी मिला, जो हमारे मुसलमान भाई थे उनसे भी मिला, और साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई थे उनसे भी प्यार मिला, और सिख बिरादरी ने भी हमें बहुत वेलकम कहा। और हर तरफ से जहाँ से हम गुजरते थे लोग खड़े होकर जो है हाथ मिलाने के लिए आ जाते थे, इस्तकबाल करते थे हमारा। हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी अपनाइयत है उन लोगों में। हाँ, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से, और हमारा दिल खुश होता था। हम लोग जो है बस नाश्ता करके निकलते थे तो शाम को घर लौटते थे। मुंबई में जो एक तो हमने जो वहाँ पे एक डिश खाई थी जो यहाँ नहीं हमें खाई कभी, वो जो है कुबलाई ईरान थी। अच्छा। वो जगह रेस्टोरेंट था वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पर वो हमने ये सब लोगों ने जो खाई। अच्छा। उसके बाद फिर तो फ्रेंड्स ये थे पाकिस्तानी बंदे जो इंडिया घूम के गए, तो इंडिया की जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, वो इंडिया किस तरह था, उनका लोगों ने वेलकम किया, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा इंडिया का, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बता रहे थे पाकिस्तान के इस यूट्यूबर को जिनका नाम है समीर के वो लोग। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर लें, बहुत अमेजिंग वीडियोज़ ये बनाते हैं और टाइम टू टाइम इस टाइप की वीडियोज़ हमारे लिए लाते रहते हैं, तो इनको जाकर जरूर सपोर्ट करें। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चाहते इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सावधान है कि तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।